कर्नाटक में संत पर यौन उत्पीड़न का आरोप। संत शिवमूर्ति को पुलिस हिरासत में लिया। जाने संत शिवमूर्ति पर क्या है गंभीर आरोप। कर्नाटक के लिंगार मठ के एक प्रमुख संत शिवमूर्ति मुर्गा को आज पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। संत पर कर्नाटक में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। आपको बता दें, ये संत कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रमुख मुर्गा मठ के मुख्य पुजारी हैं। इन्हें कर्नाटक के हावेरी जिले से हिरासत में लिया गया। संत पर मठ द्वारा संचालित किए जा रहे संस्था की छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। आपको बता दें, कर्नाटक के चित्रदुर्ग का मुर्गू मठ विवादों में घिर गया है। इस लिंगायत मठ के प्रमुख संत शिवमूर्ति मुर्गा यौन उत्पीड़नों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अब इस मामले में उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि शिवमूर्ति मुर्गा को आज नाबालिगों के यौन उत्पीड़न करने के आरोपों में अरेस्ट कर लिया गया है। शिवमूर्ति चित्रदुर्ग में इस प्रसिद्ध मुर्गा मठ के खास पुजारी हैं। मठ में उनका विशेष सम्मान है। हालांकि उन पर लगे यौन शोषणों के आरोपों के बाद मठ विवादों से घिर गया है। जानकारी के मुताबिक शिवमूर्ति को हावेरी जिले से गिरफ्तार किया गया। उन पर मठ द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशनल में नाबालिग छात्रों से यौन शोषण करने का आरोप है। यौन उत्पीड़न की बात तब सामने आई जब इंस्टीट्यूशन की दो नाबालिग छात्राओं ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद मैसूर पुलिस ने शिवमूर्ति मुर्गा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मुर्गा पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मठ द्वारा चलाए जा रहे इस स्कूल में पढ़ने वाली दो छात्राओं ने मैसूर में एक गैर सरकारी संगठन ओडानाड़ी सेवा संस्था से कॉन्टेक्ट किया था। ये ट्रस्ट सरकारी और यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाओं और बच्चों के बचाव, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। नाबालिगों ने अपने साथ हुई दरिंदगी की आप बीती सुनाई, जिसके बाद ये मामला जिला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में लाया गया। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मुर्गा मठ के हॉस्टल में रहने वाली 15 और 16 साल की छात्राओं का 3.5 साल से ज्यादा समय से यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। गौरतलब है कि ओडानाड़ी सेवा संस्था के NGO के प्रमुख स्टेनिला ने बताया कि यौन उत्पीड़न सिर्फ इन दो छात्राओं की समस्या नहीं है। इस संस्था में पढ़ने वाली कई और छात्राओं को इस तरह परेशान किया जा रहा है। ऐसा अभी से नहीं बल्कि काफी सालों से चला आ रहा है। हालांकि ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया कि छात्राओं ने खौफ की वजह से यौन उत्पीड़न की बात का खुलासा नहीं किया था। स्टेनली ने कहा कि हम किसी भी दबाव या धमकी से नहीं डरेंगे और ना ही किसी के आगे झुकेंगे। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना पूरे समाज का कर्तव्य है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ।